सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वालों पर रहेगी कड़ी नजर। जिला कलेक्टर, जिला शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। आगामी दिनों में मनाए जाने वाले त्योहारों पर शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला शांति समिति सदस्यों, विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों, धार्मिक संगठनों के धर्मगुरुओं की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई। जिला कलेक्टर ने कहा कि आगामी दिनों में जन्माष्टमी, देव छठ मेला, अब्दाल शाह का उर्स, बारा फात आदि पर्वों का आयोजन होना है। जिले में शांति सौहार्द एवं सद्भाव बनाए रखना हम सभी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य अपने अपने क्षेत्र में धार्मिक आयोजनों, उत्सवों के दौरान सौहार्द बनाए रखने में मददगार बने। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों को देखते हुए क्षेत्र में आमजन को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी पैदा नहीं हो, इसके लिए समिति के सदस्य नजर रखें। किसी भी प्रकार की आशंका होने पर पुलिस को सूचना दें। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास के साथ त्योहार एवं पर्वों को मनाएं। किसी अप्रिय घटना की जानकारी मिलने पर जिला एवं पुलिस प्रशासन को तत्काल प्रभाव से जानकारी दें व अफवाहों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट डालने से बचें तथा समिति सदस्य अपने आसपास के लोगों को भी इस प्रकार की पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने से रोकें। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आयुक्त नगर परिषद को देवछठ मेले के अवसर पर पार्किंग व्यवस्था चौकस रखने के निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। जिले में हमेशा से ही सद्भावपूर्ण माहौल में त्योहारों का आयोजन होता रहा है। जिले में आयोजित शोभा यात्रा, रैलियों का हिंदू मुस्लिम सभी समाजों द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेकर शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजन किया जाता रहा है। यह परंपरा आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। सकारात्मक माहौल में धार्मिक आयोजन करें। आयोजनकर्ता इस बात का भी ध्यान रखें कि ऐसी गतिविधियां ना हो जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। समिति सदस्यों ने कहा कि जिले में सामान्यतः शांति की परंपरा रही है, आगामी त्योहारों पर भी इस प्रकार सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय दिया जाएगा। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव, सीओ सुरेश सांखला, एडवोकेट गजेंद्र सिंह, हरिमुद्दीन अंसारी आदि मौजूद रहे।